भाभी जी आप तो स्टूडेंट लग भी रही हो, लेकिन भैया जी ना एकदम प्रोफेसर लग रहे हैं। अरे करवा लो ये जोकरपना। शट अप। मैं भाभी नहीं हूँ, मैं चारुलता हूँ। यार मलखान, हाँ खामखा मुफ्त के अंदर हम जो है ना बुड्ढे बन गए। और मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, रॉकी हूँ, रॉकी। क्या आज टाइम से पहले आ गए? जी जब भी देर से आते हैं तो आप हमें सजा देते हैं, अब हम आ गए तो अब हमें कैसे, अब हमें कैसे सजा देंगे आप बताइए। ये क्या बदतमीजी है सक्सेना जी? टीचर का नाम लेता है। ये क्या बदतमीजी है टीचर? अरे आज तो जल्दी आ गए फिर भी मार रहे हैं, अब हमसे क्या गलती हो गई? जल्दी आना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि लेट आना है। जल्दी आना कैसे गुनाह है? जल्दी आना ऐसे गलत है क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट जल्दी क्लास में आता है तो इसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति आत्मविश्वास का विकास होने लगता है, और ये जो अति आत्मविश्वास होता है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरा साबित हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये जो अति आत्मविश्वास होता है ये बाद में घमंड बन जाता है, और जब ये घमंड बन जाता है तो कोई भी इम्तहान सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए। कभी भी पास नहीं होता, वो हमेशा फेल होता है, फेल, समझे, फेल। अरे तो हमें कौन सा इम्तहान देना है यार? तो क्या यहाँ पे एग्जाम नहीं देना तुझे? पढ़ने आया ना तू क्लास में, हैं? टाइम पास करने आया, टाइम पास करने आया, टाइम पास, 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 टाइम पास। अरे यार आप हमेशा मारते काहे रहते हैं यार? मैंने सोचा कि मैं रियल लाइफ कॉलेज एक्सपीरियंस ही ले लूं। लेकिन तू बिना आई कार्ड के घुस कैसे गई अंदर? वो तो मैंने गार्ड को स्माइल कर दिया था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? घटिया था एक्सपीरियंस। क्यों, व्हाट हैपेंड? अरे विभु पता है वहाँ पर लड़कों ने मुझे नई स्टूडेंट समझकर मेरी रैगिंग कर दी। वाह ये तो कॉम्प्लीमेंट है यार। क्या खाक कॉम्प्लीमेंट है, रैगिंग के नाम पे 3 घंटे नचवा दिया मुझे वहाँ पर। ओके सो मैडम नाच के आ रही है? तुम हंस रहे हो, इट्स नॉट फनी। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। पता है रैगिंग के अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया? उन्होंने तुम्हारे साथ बताओ मुझे क्या क्या उन्होंने? छेड़खानी की। किस सालों की ये हिम्मत? मुझसे कहा कि तुम छटंकी हो। छटंकी? That's a good observation. I'm sorry. I'm really sorry. मैं उन सब के एक एक करके दांत तोड़ दूंगा by God. ऐसा कहा कर दियो रोकी ने? अरे एक लंबी सी छोरी हमको धमकी देके आई है कि उसका बॉयफ्रेंड का नाम रोकी है। अच्छा, उनकी खाट खड़ी करना आए हम। अच्छा, बाकी खाट खड़ी करनी है मतलब बाकू तोड़ना आयो? उनकी तोड़ मरोड़ करना आए हैं। हाँ तो भैया काम करो, यहाँ से ना एकदम सीधे निकल जाना, नाक की सीध में सीधे। हाँ ठीक, सामने जो रोड आगी ना, हाँ वहाँ रोड के ऊपर रोकी तुम्हें आवारागर्दी करते हुए दिख जाओ। दिख जाओ ना, झूठ तो ना बोल रहा भाई। अब भैया तू सीधा निकल जा, सवाल ज्यादा पूछा, काम कम करे। चल ठीक है, बता रहा हूँ, मिल रहा हूँ पहले रॉकी से। हाँ जल्दी जा। रॉकी, व्हाट हैपेंड? ये तुम कहाँ से लुटपिट कर आए हो? जिन लॉन्डों ने तुम्हारी कॉलेज में रैगिंग की थी, जिनसे तुम बोल के आई थी कि तुम रॉकी की गर्लफ्रेंड हो और रॉकी तुम्हें देख लेगा। हाँ मैंने कहा था। तो लॉन्डों ने रॉकी को देख लिया। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत पिट कर आए हो। मेरा रॉकी तो किसी से कभी नहीं पिटता। रॉकी गया घुइयों के खेत में। अरे यार वो रॉकी कॉलेज का रॉकी था, 19-20 साल का लौंडा था वो। अब मैं एक मिच्योर्ड आदमी हूँ यार, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, एक देश प्रेमी हूँ। तुम्हें जो करना है करो, इट्स योर कॉल। तुम स्कूल की बच्ची बन जाए, आई डोंट केयर, लेकिन आई एम नॉट विद यू, नॉट विद यू, नॉट विद इनफ। मैं बर्तन धो लेता। आई